वैक्सीन के बारे में लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है आज के टाइम में। सरकार ने 1 मई से अंडर 45 इयर्स के एज ग्रुप में वैक्सीनेशन का लॉन्च किया है प्रोग्राम, तो इसके बारे में थोड़ी दुविधा क्लियर कर लेते हैं। आज के टाइम देश ने 2 वैक्सीन लॉन्च की है, एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, एंड एक कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। इन दोनों वैक्सीन को भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस है, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। 400 रुपए में लगभग भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उपलब्ध है एंड 300 रुपए में कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। अगर साइंटिफिक डेटा पर जाए तो कोविशील्ड की प्रोटेक्शन रेट लगभग 90% है, जबकि कोवैक्सीन की जो प्रोटेक्शन है वो लगभग 81% है। तो एफिकेसी वाइज अगर देखा जाए तो कोविशील्ड का प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप्ड है। बट जो अभी ICMR के जो रिसेंट प्रोटोकॉल्स स्टडीज एंड गाइडलाइंस आ रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो म्यूटेंट वेराइटीज है हमारे पास आज के टाइम में, स्पेशली जो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट एंड UK म्यूटेंट की वेराइटी वायरस, उनमें कोवैक्सीन ज्यादा एफिकेसियस है प्रिवेंट कर। अगर हम वैक्सीन के डिटेल पे एनालाइज करें तो कोवैक्सीन इज बेसिकली जो COVID-19 का एक वायरस का निरस्तर किया हुआ वायरस दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड में एक चिंपैंजी के एडिनो वायरस में परिवर्तन करके उसमें COVID-19 का प्रोटीन डाल के दिया। तो अगर एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट्स की बात करें तो दोनों वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल है, दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, दोनों वैक्सीन एक्सटेंसिवली टेस्टेड है गवर्नमेंट द्वारा, दोनों वैक्सीन अब आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स, हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ, नर्सेस सब ने मैसिव लेवल पे लिया है, मैसिव लेवल पे स्टडीड है एंड इनमें मिनिमल से मिनिमल साइड इफेक्ट है। दोनों वैक्सीन की प्रोटेक्शन काफी बेहतर है और हमने अपने क्लिनिकल सिनेरियो में यानी कि अपने हॉस्पिटल्स में ये पाया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है उनमें मृत्यु दर बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है कंपेयर टू जो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसलिए इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए कि हमें वैक्सीन लेना ही लेना है। वैक्सीन का प्रोटेक्शन आउटराइटली डिफाइंड है कि बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, वैक्सीन से आपकी जान बिल्कुल बच सकती है और वैक्सीन लेने में ही अभी हमारी भलाई है, इसी से हम कोविड को हरा सकते हैं।